गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें से और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल और हम देखने जा रहे हैं एपिसोड 340 का पार्ट वन। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई महादेव जी कैलाश पर आ गए हैं, देखते हैं पहला। एक भाई इधर बैठेगा, एक इधर बैठेगा। हमने ही नंदी से कहा था कि यहाँ समस्त परिवार के विराजने के लिए ही आसन रख। ताकि हम सब एक साथ बैठ सकें। सभी कैलाश पर उपस्थित है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सब यहाँ विराजें, ताकि हम सभी को आप पांचों का एक साथ पूजन करने का अवसर प्राप्त हो। संपूर्ण परिवार के रूप में गुरु शुक्राचार्य का तात्पर्य किससे था? उसी से जिसका जन्म हो चुका है। विश्वरूप मुनि और मेरी पुत्री कैकशी के पुत्र के रूप में रावण दोनों के सर्वोच्च गुणों से सुसज्जित, उसने अपने पिता विश्वरूप मुनि से विद्या प्राप्त की। युद्ध और कूटनीति के गुण गुप्त रूप से उसने मुझसे प्राप्त किए।
अच्छा अच्छा उतरी है दशानन राम इस समय वो अमृत तो है तो ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा है अपने दोनों भाई कुंभकर्ण और विभीषण के साथ।
लो जी चीज़ें ठीक हो भी गई हैं, लेकिन ये कि कैलाश पर आ गए महादेव जी और कुमार कार्तिकेय जी, गणेश जी सब आ गए हैं कैलाश पर, और अब दोबारा से रौनकें बहाल हो गई हैं। कुछ बीच में मसले छोटे मोटे आते रहते हैं, लेकिन ये कि दूसरी तरफ एक नंदी जी ने ना बहुत प्यारा स्थान बनाया बैठने के लिए, महादेव जी का, पार्वती जी, गणेश जी एक जगह पर, इधर अशोक सुंदरी जी, इधर कुमार कार्तिकेय जी, और बहुत प्यारे लग रहे थे। अब चीज़ें ठीक हो गई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गणेश जी और कार्तिकेय जी ने भाई काफ़ी एक मतलब के टेस्ट समय ले क्या आप उनके मतलब के इम्तिहान ही समय लें उनका, तो वो काफ़ी सख्त था, लेकिन उसमें भाई वो एक कामयाब ज़रूर हुए हैं। कार्तिकेय जी जैसे थे ना एक मतलब के क्रोध वाले, या चीज़ों को एक एक उसका जैसे उनके ऊपर एक तारकासुर का साया था एक मतलब कि इसी वजह से वो चीज़ें सोच नहीं पाते थे या चीज़ें हर ख़राब हो जाती थी। तो एक उन्होंने भाई जब महादेव जी गए तो उन्होंने भाई एक अच्छे चीज़ें अच्छे मन से हर चीज़ भी की है, और वो एक मतलब के हर चीज़ मैनेज भी की है, खास करके शिवलिंग पर आए तो। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि एक चीज़ जो नई आई है भाई, वो क्या नाम बता रहे थे दशानन नौ सिरों वाला, लेकिन ये कि ये हमने सोचा नहीं था कि ये इधर की तरफ प्रकट हो गया है, इसका तो हमें पता ही नहीं था कि ये भी आएगा, लेकिन अब मसला ये पीछे पीछे हाँ लेकिन मसला ये है कि भाई अब अभी तक वो प्रार्थना कर रहा है, वो मतलब ब्रह्मा जी से वो एक टांग पे खड़ा हो के, लेकिन उसने सारे गुर सीख लिए हैं और साथ उसके भाई भी हैं दोनों, कुंभकर्ण और विभीषण। हाँ जी याद रखना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बाकी देखते हैं आगे, बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।